श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। 10 सितंबर भादो मास की एकादशी तिथि पड़ रही है। भादो मास की ये पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम अजा एकादशी भी कहते हैं। तो एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय आपको करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है या पैसा आपके घर में नहीं टिकता है, बहुत ज्यादा व्यर्थ में खर्चा होता है, तो एकादशी के दिन केवल एक कटोरी गंगा जल के साथ हमने ये उपाय करना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी और जो पैसा है वो आपके घर में पानी की तरह बरसने लगेगा। जी हाँ, बहुत ही सरल सा उपाय है। एकादशी तिथि के दिन ही हमने ये उपाय करना है। उपाय को अच्छे से समझिएगा और इसका अवश्य लाभ उठाइएगा। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिए। तो जैसे मैंने बताया आपको, हमने लेना है कटोरी के अंदर जल, गंगा जल हमने लेना है। हम सभी के घर में गंगा जल होता है। जरूरी नहीं है कटोरी भर कर आपने लेना है। आप किसी तांबे के पात्र के अंदर, या स्टील का पात्र है, या आपके घर में पीतल का कलश है, तो उसके अंदर आप गंगा जल जो है डाल सकते हैं। ज्यादा नहीं है तो आप थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, यानी कि पूरा कटोरी या पूरा लोटा ना भरिए, थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर आपने डाल लेना है। उसी के अंदर आपने क्या करना है, आपने डालनी है 7 बेलपत्री। जी हाँ, 7 सुंदर बेलपत्री आपने डाल लेनी है। फिर आपने जाना है भोले बाबा के मंदिर में। भोले बाबा के मंदिर में कब जाएंगे आप? एकादशी तिथि के दिन। अगर तो ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह स्नान आदि करने के बाद आप भोले बाबा के मंदिर में जाइए। भोले बाबा के मंदिर में जाते ही आपको सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। तो अपने घर की सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपने प्रार्थना करते हुए जो पात्र के अंदर जल लेकर गए हैं, वो आपने नंदी बाबा का जो उठा हुआ पांव है वहां पर आपने समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर विनती करिए, नंदी बाबा से प्रार्थना करिए। केवल जल समर्पित करना है, जो बेलपत्री है वो पात्र के अंदर ही आपने बचा लेनी है। उसके बाद आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जो पात्र के अंदर 7 बेलपत्री हम डालकर लेकर गए थे, वो आपने एक साथ 7 बेलपत्री आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रार्थना करनी है। मात्र इतना सा उपाय एकादशी तिथि के दिन आप करना शुरू करेंगे। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। तो दोनों एकादशी को आप इस उपाय को करेंगे तो मात्र 5 एकादशी इस उपाय को अगर आप दोहराएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। जो व्यर्थ के कामों में आपका पैसा खर्च होता था, किसी बीमारी में खर्च होता था, या फिर घर का कोई सदस्य जुआ खेलता है, लॉटरी लगाता है, तो उन सभी परेशानियों से भी आपको जो है निजात मिल जाएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो है वो वास होगा। तो सरल सा उपाय है, अवश्य उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।